अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो ये हमारा वीक 10 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टेबल स्पेसेस और डाटा फाइल को मैनेज करना। उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी जिसमें हमने टेबल स्पेसेस डाटा फाइल्स को देखा था, उनको और उनकी टाइप्स, उनको क्रिएट करना और उनकी स्पेस मैनेजमेंट वगैरह देखी थी। आज हम अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह का काम देखेंगे कि जिसको मैं इस वक्त येलो मार्क कर रहा हूँ, ये हमने इस लेक्चर में पढ़ना है जो कि हमारा वीक 10 का सेकंड लेक्चर है। तो स्लाइड्स हमारे पास वही हैं जो हमने लास्ट में यूज़ की थी, उसमें हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें हम जो अनडू टेबल स्पेसेस को, टेम्परेरी टेबल स्पेसेस को, डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेसेस को देखेंगे। फिर हम डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस टेम्परेरी क्रिएट भी करेंगे और उन पर रिस्ट्रिक्शंस भी देखेंगे, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो इस लेक्चर में हम जो पहली चीज़ देखेंगे वो हमारे पास होगी अनडू टेबल स्पेसेस। हमारी कंटिन्यूशन चल रही है जो हमने टेबल स्पेसेस और डाटा फाइल को हम मैनेज करना देख रहे हैं ओरेकल में। तो अनडू टेबल स्पेसेस को हम देखेंगे कि वो क्या होती हैं, उसके बाद मज़ीद हम जो आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनडू टेबल स्पेसेस होती क्या हैं। तो इसको देखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ अनडू सेगमेंट्स होती हैं अपनी हमारी डेटाबेस के अंदर, कि जब भी हम कोई डाटा रिवर्ट बैक करते हैं तो वो डाटा जो होता है हमारे पास अनडू सेगमेंट्स में स्टोर हो जाता है। तो ऑफकोर्स अगर वो डाटा स्टोर हो रहा है तो वो कहीं तो स्टोर हो रहा होगा डाटा, तो उस डाटा को हम अपनी टेबल स्पेसेस में स्टोर करते हैं और उन टेबल स्पेसेस को हम अनडू टेबल स्पेसेस बोलते हैं। कि वो टेबल स्पेसेस जो कि अनडू सेगमेंट्स को स्टोर करती हैं वो अनडू टेबल स्पेसेस होती हैं। और जो अनडू टेबल स्पेसेस होती हैं ये इसके अंदर सिर्फ अनडू सेगमेंट्स ही होती हैं और कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं आ सकता। और इसके अंदर जो एक्सटेंड्स मैनेज होते हैं वो लोकली मैनेज होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सटेंड्स दो तरह से मैनेज होते हैं, लोकली मैनेज भी होते हैं और डिक्शनरी मैनेज भी होते हैं। तो इसके अंदर जो एक्सटेंड्स होते हैं वो लोकली मैनेज्ड होते हैं और इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेटा फाइल और एक्सटेंड मैनेजमेंट क्लोज को, यानी कि कुछ क्लॉजेज यूज़ होती हैं हमारे पास क्यूरी के अंदर, तो हम डेटा फाइल की क्लोज को और एक्सटेंड मैनेजमेंट की क्लोज को ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक क्यूरी देख लेते हैं जिसमें हम एक अनडू सेगमेंट्स अनडू टेबल स्पेस को क्रिएट करते हैं। तो अनडू टेबल स्पेस को क्रिएट करने के लिए आप अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो हमने टेबल स्पेसेस को क्रिएट किया था और मैंने आपको बताया था कि जो टेबल स्पेसेस होती हैं वो डेटा फाइल से मिलके बनती हैं। जो हमारे पास डेटा फाइल्स होती हैं हम उन्हीं से ही टेबल स्पेसेस क्रिएट करते हैं। तो इसकी क्यूरी के अंदर इसलिए हम डेटा फाइल को मैंशन करते हैं। सो अनडू टेबल स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट अनडू टेबल स्पेस undo one, this is the name of table space. So the data files required for it will be the according to this link के U01 डायरेक्ट्री के अंदर ORA डाटा डायरेक्ट्री के अंदर एक DBF फाइल पड़ी हुई है जो कि हमारे पास एक डाटा फाइल है। तो उस डाटा फाइल से मिल के हमने एक टेबल स्पेस क्रिएट किया है जिसका नाम है undo one और उसका साइज है 40 MB। तो इस तरह से हम किसी भी undo table space को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं टेम्परेरी टेबल स्पेसेस। टेम्परेरी टेबल स्पेसेस को डिस्कस करने से पहले अगर हम अपने एक कोडिंग की एक पैराडाइम का हवाला दें कि अगर हम जब कोडिंग के अंदर अपने आम किसी भी एक ट्रेडिशनल तरीके से दो नंबर्स को स्वैप करते हैं तो होता ये है कि दो नंबर्स दो वेरिएबल्स में, फॉर एग्जांपल एक्स के अंदर 9 है और वाई के अंदर 8 है। अब हमें इन दोनों को स्वैप करना है, यानी कि एक्स के अंदर हम 8 चाहते हैं, वाई के अंदर 9 चाहते हैं, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को स्वैप करना चाहते हैं। तो स्वैपिंग के लिए हमें लाजमी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको ट्रेडिशनल वे में करें तो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत होती है जिसमें हम पहले वेरिएबल की वैल्यू रख देते हैं, फिर दूसरे की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं, देन उस टेम्परेरी चीज़ जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू सेकंड में रख देते हैं और फिर उस टेम्परेरी वेरिएबल का काम ख़त्म हो जाता है। यानी कि टेम्परेरी वेरिएबल हमें किसी भी चीज़ को असिस्ट करने के लिए यूज़ होता है और बाद में उसका काम नहीं रहता। इसी तरह से जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो बार सॉर्टिंग ऐसी होती है जिसमें हमें स्वैपिंग चाहिए होती है, तो उन स्वैपिंग वाली सॉर्टिंग के अंदर भी हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लेने होते हैं। तो वो ये चीज़ें हम डेटाबेस की टर्म्स में अगर हम देखें तो डेटाबेस भी हमारे पास सॉर्टिंग ऑर्डर में आती है। तो जब भी हम डेटाबेस को सॉर्ट करते हैं तो ऑफकोर्स डेटाबेस के पीछे भी एक एल्गोरिदम लगा होगा जो उनको सॉर्ट करेगा और उस एल्गोरिदम के लिए भी उसको कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। तो वो जो टेम्परेरी वेरिएबल टेम्परेरी स्टोरेज होती है दैट इज़ एक्चुअली अ टेम्परेरी टेबल स्पेस।
कि जो हमें सॉर्ट ऑपरेशंस में यूज होता है, ऑपरेशंस को सॉर्ट करने में यूज होता है, और टेम्पररी टेबल स्पेसिस के अंदर हमेशा टेम्पररी डाटा स्टोर होता है जो कि वक्ती तौर पर हमें चाहिए होता है और उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं रहती, तो इसके अंदर कोई परमानेंट ऑब्जेक्ट स्टोर हम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। लोकली मैनेज्ड ये होते हैं, इसके अंदर जो एक्सटेंट्स होते हैं रिकमेंडेड होते हैं, लेकिन ये डिक्शनरी मैनेज्ड भी हो सकते हैं। तो अगर हमें इसको टेम्पररी टेबल स्पेस को क्रिएट करना हो तो हम उसके लिए क्यूरी लिखेंगे क्रिएट टेम्पररी टेबल स्पेस और उस टेबल स्पेस का नाम जो मैंने इस वक्त टेम्प यहाँ पे मेंशन है टेम्प फाइल। अब क्योंकि वो जो आम टेबल स्पेसिस डाटा फाइल से बनती हैं, ये टेम्प फाइल से बनेगी क्योंकि ये टेम्पररी एक फाइल है, तो हम टेम्प फाइल आगे उसका पूरा लिंक दे देंगे, उसका साइज बताएंगे कि टेम्पररी फाइल जो है वो 500 MB की होगी और एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल यानी कि ये लोकली एक्सटेंट इसकी ये मैनेज होगा इसका, और यूनिफॉर्म साइज इसका 4 MB होगा। इस तरह से हम किसी भी टेम्पररी टेबल स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम टेम्पररी डाटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेसिस। अब डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेसिस जो होती हैं ना, ये पूरी डेटाबेस वाइड टेम्पररी टेबल स्पेसिस होती हैं, यानी कि ये पूरी डेटाबेस को हैंडलिंग या मैनेज कर रही होती हैं, और इसके अंदर हम जो सिस्टम टेबल स्पेसिस होती हैं उसको हम एलिमिनेट करते हैं, यानी कि सिस्टम टेबल स्पेस को एलिमिनेट करते हैं टेम्पररी डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि हमारे पास सिर्फ डाटा डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेसिस के अंदर ही स्टोर होता है। और इसको हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम एक स्टार्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, या इसको हम डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ऑल्टर्ड डेटाबेस को ऑल्टर करके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली तो हम ये देखते हैं कि हम डेटाबेस अगर हमारे पास बन गई है तो हम ऑल्टर कैसे उसको करके फिर हम ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं या हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं ऑल्टर डेटाबेस डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस और उस टेम्पररी टेबल स्पेस का आगे नाम लिख देते हैं। और अगर हमने डेटाबेस क्रिएशन के साथ इसको लिखना हो तो ऑफ कोर्स डेटाबेस क्रिएशन की जो क्यूरी होती है कमांड होती है वो होती है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, और मजीद आगे उसकी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि उसमें लॉग फाइल्स मैक्सिमम लॉग फाइल्स हिस्ट्री फाइल वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे कंसर्न की चीज़ वो है जो यहाँ पर रेड में मार्क है। इसका साइज़ थोड़ा सा इन्हांस करके इसको देख लेते हैं। हमारे काम की ये चीज़ है कि हम टेबल स्पेस को किस तरह से सेट करते हैं डेटाबेस क्रिएट करते हुए। तो हम लिखेंगे डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस, उस टेबल स्पेस का नाम टेम्प फाइल, आगे उसका जो पूरा टेम्प फाइल का जो पूरा पाथ है वो लिखेंगे और उसका साइज दे देंगे। इस तरह से डेटाबेस क्रिएट करते हुए हम किसी भी डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस जो होती है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर तो हमने ये तो वही स्टेटमेंट है जो हमने पहले यूज़ किया। अब इसमें एक नई चीज़ ये है कि अगर हमने ये देखना हो कि हमारी डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस है कौन सी, कि जैसे कि हमारे पास कोई नया हम किसी जगह पर एज अ DBA हायर हुए हैं और हमें उनके सिस्टम में देखना है कि इनकी डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस कौन सी चल रही है, तो हम एक क्यूरी वहाँ पर पुट करेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेटाबेस अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज। सो डेटाबेस अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास डेटाबेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनलिस्ट होती हैं, तो हम इस कमांड से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेसिस हैं वो हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर कौन सी है, फिर उसको हम मजीद मैनेज वगैरह भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेसिस पे, कि डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेसिस जो होती हैं उन पर कुछ पाबंदियाँ होती हैं। अब पहली रिस्ट्रिक्शन ये हम देखते हैं कि इट कैन नॉट बी ड्रॉप्ड अनटिल अ न्यू डिफॉल्ट इज मेड अवेलेबल, कि हम इसको उस वक्त तक ड्रॉप नहीं कर सकते, हम इस टेबल स्पेस को उस वक्त तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक हम किसी और टेबल स्पेस को डिफॉल्ट क्रिएट ना कर दें। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड, लाइक इफ़ यू पुट सम क्रेडिट कार्ड ऑन सम एप्लीकेशन लाइक फूडपांडा और सम अदर एप्लीकेशन, अगर आपकी कोई अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह डिफॉल्ट सेट कर देती हैं कहीं पर और अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो समटाइम्स वो डिलीट नहीं होता, क्योंकि वो ये सिस्टम आपको रिक्वायर करता है कि आप इसकी जगह पर कोई मुझे और डिफॉल्ट दे दो ताकि मैं उसको डिफॉल्ट कर लूँ, देन आप इसको डिलीट कर दो। तो जब तक हम किसी और क्योंकि को डिफॉल्ट नहीं कर देते हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस लाजमी होती है। तो अगर एक ही टेबल स्पेस है और वो डिफॉल्ट है और आप उसको डिलीट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी, आपको पहले एक टेबल स्पेस क्रिएट करनी है, उसको डिफॉल्ट बनाना है, फिर आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं।
दूसरी इस पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि इट कैन नॉट बी टेकन ऑफलाइन, कि ये टेबल स्पेस जो होती है उसको आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, कि इस टेबल स्पेस के अंदर जो डेटा होता है, क्योंकि वो एक डिफॉल्ट टेबल टेम्परेरी टेबल स्पेस चल रही होती है, तो इस टेबल स्पेस को आप ऑफलाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफॉल्ट होती है। अगर आप उसको ऑफलाइन करना है तो फिर आपको कोई और टेबल स्पेस क्रिएट करके उसको डिफॉल्ट करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू मेक इट ऑफलाइन। तीसरी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इसको इट कैन नॉट बी ऑल्टर टू परमानेंट टेबल स्पेस, कि जो टेम्परेरी टेबल स्पेसिस होते हैं दे आर सपोज टू बी टेम्परेरी फॉर ऑलवेज, आप इसको कभी भी परमानेंट टेबल स्पेस नहीं बना सकते। यानी कि अगर आप कभी ये चाहें कि ये डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस है, इसको आप कन्वर्ट करके परमानेंट टेबल स्पेस बना लें, तो यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज जो टेम्परेरी टेबल स्पेसेस होती हैं दे आर मेंट टू बी टेम्परेरी एंड दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टेबल स्पेसेस। इफ यू नीड सम परमानेंट टेबल स्पेस यू विल नीड टू हैव सम न्यू टेबल स्पेस विद द स्टेटस ऑफ परमानेंट, but you cannot convert a default temporary table space into the permanent। so in this way आप इसको restrictions कुछ apply होती हैं जिसको हमें follow करना होता है temporary table spaces के ऊपर। ये हमारे पास कुछ हमने देखा है आज का, कि जो हमने suppose किया था कि आज हमने देखना है, वो हमने आज इसको सारा study किया है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हैं किसी भी वे में क्वेश्चन, तो उसका आपको इन टाइम इंशाल्लाह आंसर मिलेगा। थैंक यू।